हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट के अंदर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको भविष्य में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव पार्ट की कोई वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वर्कशीट, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होगी। पहचान में सबसे पहले जो वाक्य होगा उसके अंदर क्या मिलेगा और आखिर में गा गे गी का प्रयोग होगा। जैसे क्या वह बाजार जाएगा, क्या वे फुटबॉल खेलेंगे, क्या सीता खाना बनाएगी। तो ये इसकी पहचान होती है, पहले का और आखिर में गा गे गी का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि शैल किसके साथ प्रयोग होगा और विल किसके साथ। शैल आई और वी के साथ प्रयोग होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं आई और वी को छोड़ के उनके साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। चलो इसके हम वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है क्या मैं प्रश्न हल करूंगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आया, क्या और आखिर में गा, तो ये इसकी पहचान होती है कि क्या मैं प्रश्न हल करूंगा। तो सबसे पहले शैल और विल का प्रयोग होगा, तो ये किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले शैल, सब्जेक्ट, शैल आई, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें, हल करना, तो हल करने को क्या बोलते हैं, सॉल्व। शैल आई सॉल्व द प्रश्न, क्या है प्रश्न को क्या कहेंगे, सम। शैल आई सॉल्व द सम, क्या मैं प्रश्न हल करूंगा। नेक्स्ट वन इज क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्या, तुम, तो जो क्या है वो शैल या विल का प्रयोग होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, यू के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का। Will you, तो will साथ में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं read, will you read, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, read the book, will you read the book, क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे। क्या वह हॉकी खेलेगा, तो वह के साथ विल का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले विल, अब वह खेलेगा इसका मतलब मेल, मेल के लिए ही का प्रयोग होता है, तो विल ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, विल ही प्ले द हॉकी। Will he play the hockey? क्या वे तस्वीर देखेंगे, तो वे दे दे के साथ will का प्रयोग होगा, will they, अब इसमें verb, verb क्या है, देखना, तो look या see, will they see the, तस्वीर को कहेंगे पिक्चर, विल दे सी द पिक्चर। नेक्स्ट वन इज क्या मोहन चित्र बनाएगा, क्या मोहन चित्र बनाएगा, तो मोहन, मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा, विल, विल मोहन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, चित्र बनाना, तो चित्र बनाने को बोलते हैं ड्रा, डी आर ए डब्ल्यू, ड्रा, विल मोहन
ड्रा, यहाँ हम कर सकते हैं क्या मोहन एक चित्र बनाएगा तो एक होगा तो ए वरना द, तो विल मोहन ड्रा द पिक्चर, विल मोहन ड्रा द पिक्चर। क्या चंचल गीत गाएगी, इसके साथ किसका प्रयोग होगा विल का, विल चंचल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें गीत गाना, यानी कि गाना, गाने की क्या इंग्लिश होती है सिंग, विल चंचल, ऑब्जेक्ट क्या है गीत, विल चंचल सिंग द सॉन्ग, विल चंचल सिंग द सॉन्ग। और लास्ट वन इज क्या पक्षी चहचहाएंगे, क्या पक्षी चहचहाएंगे, तो इसकी इंग्लिश आपको खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखनी है ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक, बाय बाय।